वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम NSW के बारे में आपको परिचित कराएंगे, NSW से आपको परिचित कराएंगे, ठीक है। और इसका एक रीजन ये है कि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे NSW एथिक्स से क्वेश्चन आया था और NSW को स्पेशल मैचिंग के फॉर्म में अलग से पूछा गया था, ठीक है। तो NSW से संबंधित सारी चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम सबसे संक्षिप्त में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि NSW की स्थापना होती है 1955 में, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, जो दुनिया में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सदस्यता संगठन है। NSW अपने सदस्यों के पेशेवर विकास और विकास को बढ़ाने, पेशेवर मानकों को बनाने और बनाए रखने और ठोस सामाजिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ये हमने देखा NSW के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि NSW की से संबंधित जो और बहुत सारी बातें इस प्लेटफॉर्म पे दी गई हैं, जैसे इसके शासन, प्रतिनिधि सभा अध्याय, ठीक है, कानूनी और नीति, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, किसके कर्मचारी। हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे NSW का मिशन और उद्देश्य, NSW प्रेस, आचार संहिता, NSW फाउंडेशन, NSW की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार। इस बार आचार संहिता से प्रश्न आया था, तो हम आचार संहिता देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कोड ऑफ एथिक्स, NSW के कोड ऑफ एथिक्स पे चलते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों पे पहुँचना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उन्हीं चीज़ों पे चलते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि NSW आचार संहिता उन मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिक मानकों को परिभाषित करती है, ठीक है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के निर्णय और रोजमर्रा के पेशेवर आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज कार्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है, चाहे उनके विशिष्ट कार्य सेटिंग कुछ भी हो। संहिता के 2021 अपडेट में आचार संहिता और नैतिक सिद्धांतों के उद्देश्य में नई भाषा शामिल है, जो पेशेवर स्व देखभाल के महत्व से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सांस्कृतिक क्षमता में संशोधन, जो मानक कार्यकर्ताओं को अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए को नए पाठ की समीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें देखना है कि जो आचार संहिता है उसमें कौन कौन सी बातें मुख्य तौर पर दी गई हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि NSW की जो आचार संहिता है उसका इतिहास यहाँ पर बताया गया है कि NSW की आचार संहिता 1960 को, 13 अक्टूबर 1960 को एक प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो है आचार संहिता के प्रथम संस्करण को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। तो पहला संस्करण कब आया था, तो हम देख सकते हैं कि पहला संस्करण कब आया था। बहुत प्रकार के लोगों ने जो है, जो मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, DSW और BSW, LCSW, इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के कथन कहे हैं, जिसमें हम देखते हैं बलिक जे ने कैनेस्ट्रासी BSW ने क्या कहा है कि मैं हर दिन आचार संहिता के कारण एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करता हूँ, मैं लगातार सामुदायिक सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया को एक जो है एक एक, एक कदम बेहतर बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं NSW की आचार संहिता को हम पढ़ेंगे ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जो है ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न बना है इस बार, तो मैं आपको वहीं पे लेके चल रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। और प्रश्न कहाँ से आया था, वहाँ पे आप धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमें पढ़ने के दौरान किन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। तो हमने बताया कि आचार संहिता जो है वो कब आई थी, जो है 1960 में पहली बार आचार संहिता आई थी, ठीक है। हम इसकी प्रस्तावना पे बाद में चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि आचार संहिता में जो मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया कि समाजकार पेशे का मिशन कुछ मूल्यों में नहीं थे, पेशे के इतिहास में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए गए मूल मूल्य समाजकार के अनूठे उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य। तो आचार संहिता में हम देखते हैं कि सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति गरिमा और मूल्य, मानवीय रिश्तों का महत्व, अखंडता और योग्यता, ठीक है, मूल्यों का ये समूह समाजकार पेशे के लिए अद्वितीय चीजों को दर्शाता है। मूल्यों को उनसे मिलने वाले सिद्धांतों को मानवीय अनुभव और संदर्भ और जटिलता के भीतर संतुलित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है समाजकार की आचार संहिता से संबंधित मुख्य जो पॉइंट थे वो थे, यही से प्रश्न इस बार आया था। अब हम इसमें प्रस्तावना देख लेते हैं इसकी, इसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। समाजकार पेशे का प्राथमिक मिशन मानव कल्याण को बढ़ाना है और सभी लोगों की बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है, जिसमें कमजोर, उत्पीड़ित, गरीबों, गरीबी में रहने वाले लोगों की जरूरतों और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाजकार की एक ऐतिहासिक और प्रभावी विशेषता यह है कि इस पेशे का दोहरा ध्यान सामाजिक संदर्भ में व्यक्तिगत कल्याण और समाज कल्याण पर है।
समाजकार का मूल आधार उन पर्यावरण शक्तियों पर ध्यान देना है जो जीवन में समस्याओं का निर्माण करती है, उनमें योगदान करती है, उनका समाधान करती है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों के साथ उनकी ओर से सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ग्राहक शब्द का उपयोग व्यक्तियों, परिवार, समूह, संगठन और समुदाय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है, ठीक है, कि NSW की जो प्रस्तावना दी गई है उसमें जो ग्राहक शब्द है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, व्यक्ति, परिवार, संगठन करके ऑप्शन आ सकते हैं, तो हमें समझना होगा कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सांस्कृतिक और जातीय विविधता के प्रति संवेदनशील होते हैं। भेदभाव, उत्पीड़न, गरीबी, सामाजिक अन्याय के अन्य रूपों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये गतिविधियां प्रत्यक्ष आभास, सामुदायिक आयोजन, पर्यवेक्षण, परामर्श, प्रशासन, वकालत, सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई, नीति विकास, कार्यान्वयन, शिक्षा, अनुसंधान, लेखन के रूप में हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों की जरूरतों और सामाजिक समस्याओं के प्रति संगठनों, समुदायों और अन्य सामाजिक संस्थाओं की जवाबदेही को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। समाजकार पेशे का मिशन कुछ मूल्यों में निहित है। पेशे के इतिहास में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए गए मूल्य समाजकार के अनूठे और परिप्रेक्ष्य की नींव है, ठीक है। तो ये जो मूल्य है यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है, NSW के आचार संहिता की ये 6 मूल्य है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको ये छाटना था कि कौन सा उसमें नहीं आता। 5 ऑप्शन थे, आपको छाटना था कौन सा उसमें नहीं आता। तो इसमें सेवा है, सामाजिक न्याय है, व्यक्ति की गरिमा और मूल्य है, मानवीय रिश्तों का महत्व है, अखंडता है और योग्यता है, ठीक है। तो ये चीज इस बार पूछी गई थी, आपको ये 6 पॉइंट याद रखने, सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति गरिमा और मूल्य, मानवीय रिश्तों का महत्व, अखंडता और योग्यता, ठीक है। अगर हम इंग्लिश से बात करें तो सेवा का मतलब होगा सर्विस, सोशल जस्टिस, व्यक्ति गरिमा और मूल्य, मानवीय रिश्तों का महत्व, अखंडता और योग्यता, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं कि संहिता उन मूल मूल्यों की पहचान करती है जिन पर सामाजिक कार्य का मिशन आधारित है, ठीक है। ये संहिता नैतिक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करती है जो मूल्यों के प्रतिबिंबित करते हैं तथा विशिष्ट नैतिक मानकों का एक सेट स्थापित करती है। ये संहिता सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रासंगिक विचारों की पहचान करने में सहायता करने के लिए तैयार की गई। तो इस प्रकार ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि आपको इस वेबसाइट से भी अवगत करा दें और उस चीज प्रश्न से अवगत करा दें जो इस बार पूछा गया था जो कि यहाँ से बना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।